बच्चों अब हम एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल 30 डिग्री है, ये वेज फिक्स्ड है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, सारे सर्फेसिस फ्रिक्शनलेस हैं, वर्टिकली हैंग कर रही है, मासलेस पुली है, 20 kg इधर मास है, 10 kg इधर है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों को छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आके ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये है कि जब ये यहाँ फ्लोर को स्ट्राइक करेगा तो किस वेलोसिटी से फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। और हमने किस मेथड से करना है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से करना है। आप इसे वंस अगेन आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए। जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या है, हमने कहा आप जानिए दो तरीके से करते हैं, एक बार हमने रेफरेंस लेवल लिया है, जब रेफरेंस लेवल लिया है तो आपने पोटेंशियल शुरू में आपने पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली है, और फिर बाद में जब सिस्टम मूव करता है जो फाइनल सिचुएशन है उसमें मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली है, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं है, तो इसलिए एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी के लॉसेस नहीं है, इसलिए शुरू में जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है वो ही बाद में है मैकेनिकल एनर्जी, तो हम उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब उससे करके देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन हमने कहा ये है, और बाद में जो सिचुएशन होगी ये 30 डिग्री है, तो 20 के जी यहां पे आ गया, 10 के जी यहां पे आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब ये है ए सिचुएशन और ये है बी सिचुएशन, ये वाला हमने रेफरेंस लेवल ले लिया, ये रेफरेंस लेवल ले लिया। ठीक है, सिचुएशन ए में अब क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम ये ले लेते हैं कि सपोज ये हाइट एच है, ये हाइट एच, ठीक है, दिस हाइट इज एच, तो हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी सिचुएशन ए में इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी सिचुएशन बी में किसकी, ब्लॉक की, ब्लॉक की सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मैकेनिकल जो सिस्टम है वही मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की है इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसके लिए हमने कहा कर लेते हैं पी और काइनेटिक एनर्जी बात कर लेते हैं, इसकी भी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। जब इसकी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 10 GH, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां से भी रिलीज किया है, इसको छोड़ा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, प्लस अब इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं, क्योंकि मैकेनिक एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालनी है, तो उसके लिए क्या है, पी प्लस के ही करेंगे, इसकी भी और इसकी भी ऐड करेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, वो हो गई 20 G 10 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अच्छा अब इसकी निकालते हैं, अब ये कितना हो जाएगा, जब ये 10 मीटर से इधर जाएगा तो ये 10 मीटर से स्लाइड करता हुआ इधर आगे चला जाएगा। अब इस पॉइंट को एक क्वेश्चन समझना है जिसमें हमें जनरली कंफ्यूजन होता है या जिसमें जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी में MGH जब लेते हैं, H वर्टिकल हाइट, एच ये नहीं है कि स्लांट के थ्रू बॉडी कितनी मूव कर गई है, स्लांट हाइट नहीं है, इस वर्टिकल हाइट, कितनी हाइट का गेन हुआ, वर्टिकल हाइट का कितना गेन हुआ, तो जब ये यहां से 10 मीटर से नीचे गया है तो ये यहां पे 10 मीटर से ऊपर गया, इस तरफ स्लाइड करके, लेकिन जो गेन हुआ है ये यहां से, पहले ये हाइट एच थी, ये भी यहां से यहां तक एच है, तो ये गेन ऑफ हाइट जो हुआ वो तो ये हुआ। अगर ये 10 है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 10 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 10 cos 30 हो गया, ये कितना हो गया 10 sin 30 हो गया, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ये कितना हो गया 10 sin 30 हो गया, साइन 30 हाफ होता है, तो 10 × 1/2 इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया। इसका मतलब जब ये यहां से यहां तक 10 मीटर गया तो इसने जो गेन किया हाइट का वो 5 मीटर का गेन कर लिया, तो पहले जो इसकी हाइट एच है वो अब यहां पे आके कितनी हो गई, एच प्लस 5 हो गई, एच प्लस
5 मीटर हो गई, तो आप इसकी पोटेंशियल देखें कितनी इस सिचुएशन में, जब ये नीचे आया तो ये यहाँ गया, यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ से नीचे आया, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, एच प्लस 5 हो गई। इसकी पोटेंशियल ये कितनी हो गई, इसकी पोटेंशियल हो गई एम जी एच प्लस 5 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, अगर ये वी वेलोसिटी टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी भी वी होगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, जो इस एंड की वेलोसिटी होगी वही इस एंड की वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ 10 इंटू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को काट देते हैं, प्लस अब इसकी बात करें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रेफरेंस लेवल हमने ये लिया हुआ है, यही रेफरेंस लेवल है, इसी के रिस्पेक्ट में सारे निकाल रहे हैं रेफरेंस लेवल, तो पोटेंशियल इसकी कितनी हो गई, जीरो हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ 20 इंटू वी स्क्वायर हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 20 इंटू वी स्क्वायर हो गई। अब देखें अब क्या क्या बात बनती है, 10 जी एच है, 20 जी एच है, तो ये कितना हो गया, 10 जी एच है और ये 20 जी, अच्छा अब देखें क्या इक्वेशन बनती है, ये आया 10 जी एच प्लस 20 जी 10 इज इक्वल टू 10 जी एच प्लस 10 जी 5, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, हाफ 10 वी स्क्वायर प्लस हाफ 20 वी स्क्वायर, तो ये हाफ 30 वी स्क्वायर आ गया, 10 जी एच और 10 जी एच कैंसिल हो गया, ये 20 जी एच है, 20 जी 10 है, ये 10 जी 5, ये कितना हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10, इसको इधर ले आए, माइनस 10 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इंटू वी स्क्वायर आ गया, ठीक है, सो दिस इज 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 15 वी स्क्वायर आ गया, 2000 माइनस 500, 1500 इज इक्वल टू 15 वी स्क्वायर आ गया, सो वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, सो क्या वेलोसिटी होगी जब ये इससे टकराएगा, इट इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन को हम लॉसेस इज इक्वल टू गेन्स के कंसेप्ट से करते हैं, जिसमें लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कुछ फॉर्म्स में लॉस होगा, कुछ मैकेनिकल फॉर्म्स में गेन होगा, बाहर से कोई एनर्जी ना आई है ना इसने कुछ लूज किया फ्रिक्शन वगैरह के उसमें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व कॉन्स्टेंट हो गई। तो इसमें जो है हम अब लॉसेज इक्वल टू गेंस की बात कर रहे हैं, तो वंस अगेन कहा कि गलती मत, तो हमने ये पी और के पोटेंशियल जो काइनेटिक टर्म्स को लिख रहे हैं, जिस चीज को यहां पे कंसिडर करते रहेंगे उसे कैंसिल करते रहेंगे काटते रहेंगे, ताकि गलती मत हो। तो अब लॉसेज और गेन दैट इज चेंज की बात करें, पोटेंशियल जी में देखें पोटेंशियल जी में लॉस हुआ या गेन हुआ, जब ये नीचे गया है तो ये 10 मीटर से ऊपर गया है, इस तरफ ये 10 मीटर से अप द स्लोप गया है, तो जैसा भी हमने कहा ये 30 डिग्री हो गया, ये 10 मीटर है, ये 10 cos 30, ये 10 sin 30, दैट इज 5 मीटर से ये ऊपर चला गया, तो इसका गेन ऑफ हाइट कितना हुआ, वर्टिकल हाइट 5 मीटर हुआ है, तो पोटेंशियल जी का गेन हुआ है, कितना हुआ है 10 जी 5। काइनेटिक एनर्जी का इसका देखें, जब यहां से ये वी वेलोसिटी टकराएगा, जब यहां से यहां तक पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो यहां से यहां पर पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो जीरो से वी वेलोसिटी हो रही है, यहां पर जीरो वेलोसिटी है, जब ये यहां से नीचे गया इसकी वी वेलोसिटी हुई तो इसकी भी वी वेलोसिटी हो गई, तो जीरो से वी वेलोसिटी हो रही है, बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, तो कितना गेन हो रहा है, हाफ 10 इंटू वी स्क्वायर का गेन हो रहा है। इसके लिए देखें पोटेंशियल एनर्जी की, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हाइट का लॉस हो रहा है, हाइट का लॉस हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इधर आ जाएगा, कितना आएगा 20 जी 10, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का देखें, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां तक आते थे वी वेलोसिटी टकराता है, जीरो से वेलोसिटी वी हो रही है तो बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है, गेन हो रहा तो यहां लिख देते हैं प्लस हाफ 20 इंटू वी स्क्वायर आ गया, सो लॉस इज इक्वल टू गेन्स करते हैं, 20 जी 10 इज इक्वल टू ये हो गया 10 जी 5 प्लस हाफ 20 प्लस 10 30 वी स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 जी को 10 ले लें तो ये 2000 हो गया, माइनस ये 10 ले लें तो ये 500 इधर आ गया, 500 हो गया इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर हो गया, ये 1500 इज इक्वल टू 15 इंटू वी स्क्वायर हो गया,
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 अपॉन 15 इज इक्वल टू 100 हो गया, वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वही हो गया जो अभी हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से और लॉज ऑफ मोशन से भी इसको कर लीजिएगा। इसको एक और हम क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, जिसमें हमने ये एक बड़ा ब्लॉक है, फ्रिक्शनल सरफेस है, ये फिक्स्ड है, और 10 केजी का ब्लॉक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर है। यहां से दो ब्लॉक हैंग कर रहे, एक 20 केजी का, एक 10 केजी, 5 केजी का। और जब इसे रिलीज कर दिया, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं, तो जब ये यहां से आके यहां टकराएगा तो एक किस वेलोसिटी टकराएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो है, एक तो आप रेफरेंस लेवल लेके कर सकते हैं, रेफरेंस लेवल लेके पोटेंशियल जो शुरू की मैकेनिकल एनर्जी और बाद की मैकेनिकल इक्वेट कर सकते हैं। या भी हमने कहा, जब हम चेंजेस की बात करते हैं, लॉसेस और गेंस की बात करते हैं, तो उसमें रेफरेंस लेवल में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन को लेट सॉल्व इट बाय लॉसेस और गेंस से हम फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट से हमने कहा लॉसेस इज इक्वल टू गेंस कर दिया, और हमें रेफरेंस लेवल की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस के लिए तो रेफरेंस लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने शुरू में भी कहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ योर रेफरेंस लेवल। ठीक है, अच्छा अब इसका देख लेते हैं। इसको वन सेकेंड हम लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 5 केजी ब्लॉक के लिए, इसकी पीई और के ई टर्म्स को कंसिडर करना है, इसकी भी हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक टर्म्स को कंसिडर करना है, और यहाँ पे हमने लॉसेस इक्वल टू गेंस के कॉलम बना दिए। ये 20 केजी का ब्लॉक है, यहां से शुरू कर लेते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये ब्लॉक नीचे आता है, नीचे आ रहा है तो हाइट का लॉस हो रहा है, हाइट का लॉस हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो लॉस में आ गया, ये 20g10 लॉस में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। काइनेटिक एनर्जी का देखें, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ये वी वेलोसिटी से टकराएगा, तो जीरो से वेलोसिटी वी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, तो गेंस में आ जाएगा ये 1/2 20 × v2। याद रखना, जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो सबकी वेलोसिटी जीरो है, पूरी ट्रेन है ये, एक तरह से ब्लॉक्स की ट्रेन है, पूरी ब्लॉक्स की ये ट्रेन है और एक ही है, इसमें कोई मूवेबल पुली वगैरह कोई सिस्टम्स नहीं लगे हुए, सारे इनएक्सटेंसिबल है। तो इस केस में सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो है, जीरो है, इसकी वेलोसिटी वी होगी तो इसकी भी वी होगी, इसकी भी वी होगी। ठीक है, अच्छा जब ये 10 मीटर से नीचे आया तो ये 10 मीटर से आगे आ गया, हाइट का क्या गेन हुआ इसमें कुछ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसका हाइट का ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी का इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका देयर इज नो चेंजेस, हमने तो चेंजेस ही कंसीडर करने, एब्सोल्यूट मत लेना एमजीएच, एब्सोल्यूट नहीं लिया जाएगा, हमने चेंजेस की बात करें, चेंज ही नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जब ये यहां से वी वेलोसिटी टकराएगा तो अभी इसकी वेलोसिटी जीरो है, जब ये वी से यहां टकराएगा तो ये भी वी को अटेन कर लेगा, पूरी की पूरी वेलोसिटी एक ही होगी, तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी एक ही होगी, तो जब इसकी फाइनल वेलोसिटी v से टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया प्लस 1/2 10v² हो गया, इसका काम भी हो गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें इस ब्लॉक की, जब ये 10 मीटर से नीचे आएगा तो ये 10 मीटर से ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो इसका जब ये ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ, गेन हुआ तो कितना गेन हुआ, प्लस 5g10mgh का गेन हुआ, दैट इज 10 मीटर से नीचे गया 10 मीटर का गेन हुआ, तो 5g10 का गेन हो गया। काइनेटिक एनर्जी देखें, अभी कितनी वेलोसिटी है, जीरो है, जब ये v वेलोसिटी टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो गेन हो गया काइनेटिक एनर्जी का भी 1/2 5 × v² आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 20g10 इज इक्वल टू, ये टर्म्स हो गए 20g10 इज इक्वल टू 1/2, इसको कर लें अगर v² के टर्म्स को ऐड कर लें, 1/2 20v² है, 10v² है, 5v² है, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 1/2 35v² कौन कौन से टर्म्स हो गए, ये हमारी टर्म हो गए, ये कंसिडर कर ली, ये कंसिडर कर ली, प्लस 5g10, ये इधर ले जाओ, तो 20g10 माइनस 5g10, तो ये हो गया 15g10 इज इक्वल टू 1/2 35v² आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 15, ये 10 है, ये 10 है, 2 इधर से इधर आ गया, अपॉन 35 इज इक्वल टू v² आ गया। तो यहां पे आप दोनों साइड पे रूट्स ले लेंगे,
और आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्टली v की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को भी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है या लॉज ऑफ मोशन से उससे ट्राई कर सकते हैं, या उन चैप्टर्स को आप जो हमने किए हैं उनको लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं।